अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मेथी की भाजी तुरई। मेथी की भाजी तुरई बनाने के लिए हमें लगेगा, हम ये शोरबा टाइप बना रहे हैं तो हमें तुरई लगेगी जो हमने 250 ग्राम ले ली है, जिसका हमने छिलका निकाल कर इसे अच्छे से वॉश करके इसका पानी निकाल लिया। और मेथी की भाजी लगेगी जो हमने एक बड़ी वाली गड्डी ले ली थी, इसे भी हमने धोकर इसका पानी निकाल लिया है। और हमने मटन लगेगा, हम मटन में बना रहे हैं तो हमने 250 ग्राम मटन में दो प्याज डालकर इसे अच्छे से नमक और हल्दी डाल के गला लिया था। और 4-5 हरी मिर्ची और 1 टमाटर लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम तुरई को गोल गोल पीसेस में कट कर लेंगे। आप आपके हिसाब से जैसा चाहे कट कर सकते हैं। देखिए अब हमने तुरई को कट कर दिया है, इसके बाद हम भाजी को भी इसी तरह कट कर देंगे। आप चाहे तो बिना कट करे भी डाल सकते हैं। हम इसे कुकर में बना रहे हैं तो हमने एक कुकर ले लिया है, इसमें हम 4-5 टेबल स्पून उतना कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम 1 टेबल स्पून उतना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फिर इन सभी चीज़ों को, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। फिर थोड़े 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे। 2 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है और 1/4 टीस्पून उतना हल्दी पाउडर डाल देंगे। बॉईल करके जो गोश्त रखा था वो भी इसी में ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। और जो टमाटर रखा था हमने कट करके वो भी ऐड कर लेंगे, और जो तुरई रखी थी उसे भी ऐड कर लेंगे। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर कुकर को हम लगाकर सिर्फ हमें सीटी होने से पहले बस इसके भाप भरने तक इसे गलाना है। अगर हम सीटी होने देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गल जाती है, तो बस हमें इसे 3-4 मिनट ही गलाना है। बाद में हमने एक कढ़ाई में इसको डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे, और फिर उसके बाद हमने जो भाजी कट करके रखी थी वो इसमें ऐड कर लेंगे। पूरी भाजी को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे ढककर 3-4 मिनट तक पकने देंगे, जब तक कि इस पर अच्छे से ऑयल ना आ जाए और हमारी भाजी अच्छे से पक ना जाए। फिर एक बार हटाकर चेक कर लेंगे, फिर और 2-3 मिनट इसे और पकने देंगे। तो लीजिए अब ये हमारी भाजी रेडी है, तो इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। लीजिए ये हमारी मेथी की भाजी तुरई तैयार है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी मेथी की भाजी तुरई कैसी बनी थी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।